तो आज हम करने वाले हैं शवरमा चैलेंज, लेकिन वेज वाला। में मैंने नॉनवेज कम्प्लीटली छोड़ दिया। मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि नॉनवेज जो खाना है वो एक्चुअल में खाना नहीं है, वो एक सफ़रिंग है, पेन है, मर्डर है एनिमल्स के लिए। और छोड़ने के बाद भी जो टेस्ट है नॉनवेज का, वो मेरे को हमेशा याद आता था, हमेशा क्रेविंग होती थी कि मैं नॉनवेज खाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया। लेकिन मैं यहाँ पे आया मैजिक सोया चॉप, जो एक जो लोग शवरमा बेचते हैं वो लोग वेज शवरमा ऐसा बेचते हैं कि वो एग्जैक्टली नॉनवेज जैसा टेस्ट करता है, पर वो प्लांट बेस्ड है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन लोग ने नॉनवेज छोड़ा और जिन लोग नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही वंडरफुल ऑप्शन है। और मैं आज मेरे जो दोस्त लोग हैं जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, उन लोग को यहाँ पे लेके आए हूँ। हम लोग शवरमा चैलेंज करने वाले, उन लोग को मैं दो एक वेज शवरमा देने वाला हूँ, ब्लाइंड फोल्ड करने वाला हूँ, आँखों पर पट्टी बांधने वाला हूँ, ब्लिस मास्क बांधने वाला हूँ। बाय द वे लो बजट हम लोग का है, तो ब्लिस मास्क हम लोग उन लोग के आँख पे आती है, तो हम लोग उन लोग के आँखों पे ब्लिस मास्क बांधने वाले हैं। उन लोग को एक शवरमा नॉन वेज का खिलाने वाले, एक वेज का देने वाले, और उन लोग को हम लोग पूछने वाले कि उन लोग को बेटर कौन सा लगता है। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, ये जो शवरमा, ये जो प्लांट बेस्ड शवरमा है इस मैजिक बाइट्स का, ये एग्जैक्टली चिकन जैसा टेस्ट करता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, और चलो लेट्स रोल एंड नॉन वेज छोड़ना है। लिसन टू गगन एंड गो वीगन। चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। तीनों कंटेस्टेंट अपने जो राइट हैंड साइड पे वो शवरमा उठाए, और उसका जो ये है क्या बोलते हैं, रैपर निकालोगे तो रैपर भी खा लोगे। तो हमारे कंटेस्टेंट अभी रैपर निकाल रहे हैं। मैं तो निकाल नहीं, रैपर निकला कि नहीं? ओके, रैपर निकाल दिया है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट गाइस। चलो पहला बाइट करो, दे दो। तो पहला, किसी को भी, इन लोगों को किसी को भी पता नहीं है कि ये जो पहला जो शवरमा का बाइट इन लोग ने लिया है वो वेज है कि नॉन वेज है। तो साइनर के पास आते हैं, तो क्या लग रहा है, चिकन है कि वेज है? कुछ पता नहीं सकता, दोनों टेस्ट सेम ही,
मैं जब चिकन खाता था अभी मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि ये चिकन है या नॉनवेज है या वेज है, क्योंकि टेस्ट सेम ही आ रहा है। ओके ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं और अभिषेक जी से पूछते हैं कि वो जो उनके हाथ में जो शोरबा है क्या बढ़ता है। अभिषेक तुम खाते है वेज खाते है कि नॉनवेज खाते है? नॉनवेज चिकन सर का लगता है तुम्हारा कि चिकन बढ़ते है कि क्या बढ़ते है? चिकन बढ़ते है। ओके चलो हम लोग अभी बनी भाई साहब के पास आते हैं जो खाते ही जा रहे हैं पता नहीं क्या उन लोगों उनको कितने सालों से भूखे हैं। तो क्या लग रहा है बनी नॉनवेज है कि वेज है कि नॉनवेज है? नॉनवेज लग रहा है। चिकन लग रहा है? जो तुम लोग के लेफ्ट साइड पे जो था अभी एक ही बचा हुआ है, तो पहला तो तुम लोग ने ठूस लिया एकदम अच्छे से, तो जो तुम लोग के जो लेफ्ट साइड पे वो तुम लोग हाथ में उठाओ और टेस्ट करने को चालू करो और बताओ कि क्या लग रहा है तुम लोग को। ओके तो अभी सेकेंड राउंड का इन लोग का टेस्टिंग चालू है, तो चलिए पूछते हैं पहले हम लोग इस बार बनी से स्टार्ट करेंगे। बनी क्या बोल रही है, नॉनवेज है वेज है? देखो भाइयों और बहनों जो भी देख रहे हैं बजट लो, इसके लिए इसने एक ही शर्मा काट के खिला। ओके तो इसको बनी को लग रहा है हम लोग एक ही शर्मा कह रहे हैं, तो हम लोग ने आपको दिखाया था कि दो चिकन के अलग है वेज के अलग है। तो अभिषेक भाई साहब काय वाटतं तुम्हाला की कुठला वाला आहे? नॉनव्हेज आहे। हे नॉनव्हेज आहे। चिकन आहे का? चिकन आहे ना? ओके चलो अभिषेक को भी चिकन ही लग रहा है और साईनाथ जी आप बताओ कि ये दोनों का टेस्ट सेम है? दोनों का टेस्ट सेम लग रहा है, आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा? कोई डिफरेंस नहीं, मुझे लग रहा है एक ही शोरमा काट के दो इसमें बांट के हमारे सामने रख दिया है। खा के हो गया है दोनों इन लोग ने नॉनवेज और वेज एक एक वेरियंट शोरमा का दोनों खा लिया है। तो तुम लोग अभी उतार सकते हो तुम लोग के ब्लाइंड फोल्ड्स। लो बजट ब्लाइंड फोर्ड थे हम लोग के फेस मास्क, ये जो है डिवाइन प्रोटेक्शन, और ये मास्क की खासियत है कि इससे तुम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर जो वर्ड्स लिखे गए वो तुम लोग के लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लिस मास्क ज़रूर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स को हम लोग ब्लिस मास्क फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी इन लोग को देखते हैं इन लोग का पेट भर गया है, तो कैसा लग रहा है खा के तुम लोगों? बहुत मजा आया, लेकिन दोनों सेम दोनों सेम था। नहीं हम लोग ने तो एक चिकन के दुकान से लिया था, या तो चिकन मिलता भी नहीं है या तो सिर्फ वेज मिलता है, तो तुम लोग दोनों तो सेम था, तो इन लोग को पूछ के तो ये फ़ायदा नहीं कि कौन सा प्रेफर करते। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे आए और देखें कि चिकन और वेज शॉर्मा में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों टेस्ट सेम ही लगता है। तो अभी इन लोग इनके जो ओनर है हम लोग उनसे बात करेंगे, तो चले आके इनसे ओनर से बात करते हैं और इनकी जर्नी जानते हैं। तो सबसे पहले जो सोया चाप मैजिक बाइट्स के जो ओनर है मिस्टर राज यादव, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि नॉनवेज जो छोड़ते हैं उनको ये दर्द समझ में आता है कि चिकन नहीं खाने को मिलने का दर्द क्या रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने खुद से डिसीजन दिया है छोड़ने का और मैं चाहता हूँ कि एनिमल्स लोग मरे नहीं और जिंदा रहे, इसलिए मैंने 4-5 साल से लगभग छोड़ दिया है। मेरे लिए ये जगह एक स्वर्ग से अलग नहीं है, इट्स लाइक अ हेवन फॉर मी, और मैं इनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया प्लांट बेस्ड शॉर्मा का जो एग्जैक्टली चिकन जैसा टेस्ट करता है। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे। तो सर तू आपको ये जो वेज शॉर्मा है उसका आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं देखा हूँ कि डोमविल में बहुत सारे चिकन शॉर्मा बहुत लोग देखते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको देखते हैं यार ये क्या है चीज़, उनको समझ में नहीं आता है लेकिन वो खा नहीं सकते बिकॉज वो नॉनवेज है, तो उनके मन में होता है इच्छा कि ये खाएँ पर वो खा नहीं सकते,
तो हम लोगों ने यही कोशिश किया कि क्यों ना उनको भी उसका फील दिया जाए कि आप भी खा सकते हो, आप भी शोरमा खा सकते हो, आपको भी हक है शोरमा खाने का। तो वही चीज़ हमने वेज में डेवलप किया और वो उनको खिलाया कि जस्ट यही है चिकन शोरमा जो आप खा रहे हो, इस वजह से हमने ये चालू किया। और वेज होने के कारण कोई भी बेजुबान जानवर इसमें मारा नहीं गया है और वही सेम फील आपको आ रहा है, तो पब्लिक भी पसंद कर रही है राइट? बहुत ज़्यादा एक्चुअली प्रोटीन है सब इसमें, सोयाबीन से बना हुआ है तो प्रोटीन भी बहुत सारा है और हेल्दी है। सबसे मेन बात आपने देखा होगा जैसे चारकोल के ऊपर हम बना रहे हैं, ना कोई गैस यूज कर रहे हैं ना कुछ ये कर रहे हैं, तो वो बेहतर है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और कब से आपने स्टार्ट किया है? शोरमा तो लगभग अभी मुझे स्टार्ट करके एक साल हो गया, बट मेरा जो मेन प्रोडक्ट है सोया चाप करके, वो भी प्योर वेज है। वो भी जैसे कि चिकन तंदूरी वगैरह आप लोग खाते हो गए, तो जस्ट ये हमने वेज में तंदूरी बनाया हुआ, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, तो जस्ट लाइक चिकन के जैसा ही लगेगा आपको, लेकिन है वेज। ओके, तो शोरमा के साथ साथ इन लोग के अलग जैसे चिकन तंदूरी होता है उसके भी वेरियंट्स सब्स्टिट्यूट है, प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट है जो एग्जैक्टली चिकन जैसा टेस्ट करते हैं बट वो प्लांट से बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आके इस चीज़ को एंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये सच में चिकन जैसा लगता है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच राज सर ये चीज़ आप पे, और हमारे तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया एक प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट लाके, तो एक ब्लिस मास के सैम्पल हम लोग इन्हें दे रहे हैं। ताली बजा सब लोग, सब ताली बजा। तो ब्लिस मास के जो सैम्पल हम लोग इन्हें दे रहे हैं तो वेरी वेल जॉब वेल डन। ये एक इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री में ये जो है एक रेवोल्यूशन है। US कनाडा में बहुत लोग अभी मीट गिवअप कर रहे हैं, बहुत लोग दुनिया भर में मीट गिवअप कर रहे हैं और उसका एक प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट चूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने भी किया पाँच साल पहले 2017 में, जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि इससे हमारे एनवायरमेंट का फ़ायदा है और चिकन एनिमल कोई भी नहीं चाहता है कि मरे। तो डेफिनेटली आप आए सोया चाप, मैजिक बाइट सोया चाप, ये पेंडारगढ़ कॉलेज के जस्ट बाजू में है, गढ़ा सर्कल और पेंडारगढ़ कॉलेज के जस्ट बीच में, डोंबिवली ईस्ट में। अगर आप किसी को भी पूछोगे गढ़ा सर्कल वो आपको बता देगा, और वहाँ से मैजिक बाइट सोया चाप कॉर्नर आपको वहीं पर मिलेगा। और स्विगी और जोमेटो पर भी है, तो अगर आप नहीं आ सकते यहाँ पर तो स्विगी और जोमेटो पर भी आए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लिसन टू गगन एंड गो वीगन। थैंक यू।